राम राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल कुलदीप ओकेशन 19 ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं हरिद्वार से आया सुबह रामनगर के लिए, हरिद्वार टू रामनगर वाली बस में। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं रामनगर में उतरा बस से एकदम से, और जैसी बस से उतरा तो देखा कि यार उत्तराखंड के जो रामनगर है हमारे नैनीताल ज़िले में, वहाँ बसंत महोत्सव की झांकी निकली एकदम से। मैं देखा, मैंने कहा अरे यार झांकी निकली, फिर मैंने वीडियो बना लिया और उसी वीडियो को मैं पेश करने जा रहा हूँ इसमें, जो आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे उत्तराखंड का थोड़ा सा कल्चर। और इसी के साथ वीडियो बनी रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कल्चर वहाँ का और थोड़ा सा मेला थोड़ा बहुत, क्योंकि ख़त्म हो गया हर साल की तरह। बसंत महोत्सव बनाया था इस बार भी, और ऐसा हुआ था कि मेरे आने तक तो ख़त्म हो गया था। खैर आज मैंने जब देखा, मैं गया वहाँ तो ख़त्म हो गया था। आप देखिए थोड़ा बहुत झांकी निकली थी, वो मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में, पूरा देखिए अंत तक। ये रामनगर रानीखेत रोड में पड़ता है, रामनगर से जब रानीखेत को जाते हैं तो जहाँ पर रोड पे बस अड्डा है उसके थोड़े से नीचे को आके, काशीपुर की तरफ को आके, वहीं पर से इसका एंट्री परवेज बना रहता है, ये देखिए। और झांकी यहीं से निकली हुई है, ये गाड़ी भी उसी के साथ की है, पीछे थोड़ा पीछे रह गई है। और मैं भी आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ, जो मैं भी मेला लगा हुआ है ना, ये मेला अभी थोड़ा ख़त्म सा हो गया, शांत सा हो गया माहौल, अब वरना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती, क्योंकि वैसे भी अब तो आज की वीडियो है थोड़ा लेट हो गई, कुछ दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मेले को चालू हुए, और आज शायद मुझे लग रहा अंतिम दिन था, इसलिए भीड़ भाड़ भी नहीं लगी है, ज़्यादा झूले भी नहीं दिख रहे थे, सामान ये देखो कम ही भीड़ है, और वरना इस टाइम पर तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। तो दोस्तों, हर साल की तरह बनाया जाने वाला ये बसंत महोत्सव रामनगर में होता है, जहाँ पर हर कलाकार आके अपनी कला का वो करते हैं, वर्णन करते हैं, अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, अपने कलाकारी दिखाते हैं, पहाड़ी गानों में पहाड़ी कल्चर दिखाते हैं अपने अपना, सब लोग जो हर कोई तैयारी करके आता है। ये देखिए आप वीडियो बने रही है, वीडियो में और ये झांकी निकल ली, और जो है इसके अंदर फिर आगे जाके इसके अंदर को मैं जाता हूँ। तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।